So what's up everybody, once again welcome back to the channel. You are watching the Devil Ladder and welcome back to doing another vlog. Hope you guys are doing absolutely fine. So guys, today is 20 March और अभी time हो रहा है 12:10 AM. आज बहुत दिनों के बाद जाके मुझे vlog बनाने का मौका मिला है क्योंकि आज मेरे पास bike available है. कौन सा bike है वो vlog में आप लोगों को आगे पता चलेगा. Stay tuned for the vlog. और बाकी अभी मैं जा रहा हूँ सिलीगुड़ी की तरफ, कॉलेज में जाऊँगा क्योंकि कॉलेज में आज इंटरनल एग्जाम है मेरा. बारिश हो रहा था सुबह से, तो बारिश होने की वजह से मौसम थोड़ा बहुत ठंड हो चुका है और बाहर का जो धूल मिट्टी वगैरह है वो सब खत्म हो चुका है. कोई टेंशन वाली बात नहीं. तो अभी गाइस मुझे सिर्फ नहाना है और रेडी होना है, तो जल्दी से जाके नहा के धोके रेडी होके आते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं ऑन मोटो व्लॉगिंग सेटअप. मोटो व्लॉगिंग सेटअप ऑन मोटो व्लॉग. तो जैसे कि देख पा रहे हो आज मेरे पास कौन सा बाइक है. दिस इज द रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 BS6 या BS4 वो पता नहीं, बट मुझे जितना पता था गाइस कि अभी धूप निकलने वाला था लेकिन अचानक से इतना अंधेरा कैसे हो गया पता नहीं चल रहा, ठंड और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है. मैंने सोचा कि यार कुछ वेयर करने का ज़रूरत नहीं है, बस कॉलेज यूनिफॉर्म में ही हो जाएगा, लेकिन अभी सोच रहा हूँ कि अगर कुछ मोटा कपड़ा पहन के आता तो अच्छा होता. एनीवेज जो है सो है, बस कॉलेज जाने का जल्दी है. कॉलेज अगर चला गया तो क्लासरूम के अंदर गर्मी ही गर्मी है गाइस. ये लास्ट ब्लॉग होने वाला है, इसके बाद डायरेक्ट आएगा मेरे कॉलेज का बसंत उत्सव जो कि हमारा होली का त्यौहार है, उस त्यौहार का व्लॉग आएगा. एंड उसके बाद होली में हम इस बार किसी अलग से प्लेस में जाएंगे सेलिब्रेट करने अपने दोस्तों के साथ, उसका व्लॉग आएगा. होली में इस बार बहुत ही तगड़ा व्लॉग आने वाला है, उसके लिए स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल. बाकी अभी टाइम हो रहा है 12:46 और मेरा एग्ज़ाम जो है ना गाइस, एग्ज़ाम का टाइम है 2 PM. तो अभी भी मेरे पास बहुत टाइम है. तो मेरे जो दोस्त लोग हैं वो बोल रहे थे कि हमारे कॉलेज से होते हुए जाना, मतलब उनका कॉलेज मतलब सूर्यचंद कॉलेज जो है वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त हैं, तो वो बोल रहा है कि हमारे साथ मीट करके जाना. तो मैंने सोचा यार क्यों ना पहले सूर्यचंद कॉलेज में जाएंगे, उसके बाद हम अपने सिलीगुड़ी कॉलेज में जाएंगे, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉलेज और सूर्यचंद कॉलेज का डिस्टेंस ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आस पास ही है. और अभी सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो है फ्यूलअप करना. जैसे एक इंसान प्यार और पैसे के बिना कुछ भी नहीं है, उसी तरह एक बाइक बिना फ्यूल के कुछ भी नहीं है. तो सबसे पहले अभी फ्यूल डालना पड़ेगा, नहीं तो इस बाइक को मैं धक्का लगाना नहीं चाहता किसी भी हालत में. हाँ, अपने डेविल को धक्का लगा लूँगा क्योंकि वो ज़्यादा वेट नहीं है और उसको धक्का लगाने में कोई दिक्कत भी नहीं होता है. बाकी यार इसको धक्का लगाना मतलब क्या ही बताएं. इससे निकलते समय बाबा ने भी मुझे काम दे दिया बैंक का, तो वो भी अभी निपटाना पड़ेगा, तो टाइम बहुत ही कम है क्योंकि बैंक में जाने का जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ही लेट होता है गाइस. बैंक हमेशा भीड़ से भरा हुआ रहता है, तो मुझे शायद से और थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए था. एक्चुअली मुझे भी कहाँ पता था कि बाबा मुझे ये काम देने वाले हैं, नहीं तो मैं तो आराम से ही निकल रहा था. 110 दिया था हम क्या, फोन पे पर 110 रुपये मिले. डेविल को भी देखने जाने वाले हैं हम, डेविल का कितना दूर क्या काम चल रहा है. वैसे मैंने भैया को बता दिया है कि मुझे होली से पहले पहले अपना बाइक जो है चाहिए, तो भैया ने बोला है कि पूरी कोशिश की जाएगी. तो अभी आज देखेंगे कि काम कितना दूर है. एक्चुअली ना गाइस डेविल में क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि चार किलोमीटर भी नहीं, ठीक से अगर 3 किलोमीटर में चलता तो ऑटोमेटिकली वो बाइक बहुत हीट हो जाता है और उसके बाद जो है धुआं निकलने लगता है इंजन से. गाइस अभी बारिश भी शुरू हो गया है, थोड़ा बहुत बारिश में दिक्कत यही है गाइस कि कब कैमरे के लेंस में पानी गिर जाता है, कब कैमरा ब्लर हो जाता है पता ही नहीं चलता, इसीलिए हमेशा लेंस साफ़ करते हुए चलना पड़ता है. अगर बाबा का काम नहीं रहता तो आराम से कॉलेज जाता मैं, लेकिन अभी काम दे दिया तो करना तो मेरा फर्ज बनता है. अभी खुल गया. अरे भाई पुलिस वाला ऐसा दौड़ के आ रहा था कि मैंने सोचा यार मैंने कुछ क्राइम कर दिया भाई. यार क्या यार डरा देते हो. कोई बात नहीं गाइस, एक ऑलमोस्ट बच चुका है और मैं कॉलेज के पास ही पहुंच गया. बस थोड़ा सा काम है जो वो मैं पहले कर लूँगा. और बारिश भी शुरू हो गया है अच्छे तरीके से गाइस, मैं भीगना नहीं चाहता. वैसे भीग तो रहा हूँ, सतर्क थकून सतर्क रहना. अरे यार कहाँ भागोगे, जहाँ जाओगे मुझे ही पाओगे.
मजा आ रहा है गाइस। तो बैंक में काम निपटा के आप लोगों से थोड़ी देर बाद में मिलते हैं, ठीक है ना। स्टे ट्यून्ड फॉर द व्लॉग। पार्टी कहाँ है भाई? पार्टी तो नमस्ते गाइस। वेदर और भी खतरनाक हो चुका है गाइस, और अभी टाइम हो रहा है 5:30 PM। और आज गाइस ना अनफॉर्चुनेटली मैंने एग्ज़ाम मिस कर दिया इस बारिश की वजह से, तो एग्ज़ाम तो आज हुआ नहीं, बाकी नेक्स्ट देखेंगे। मैम हमें दूसरा मौका ज़रूर देगा जिन्होंने आज एग्ज़ाम मिस किया। एक्चुअली मैं अकेला नहीं हूँ जो मिस किया, मेरा दो दोस्त भी है जिन लोगों ने आज एग्ज़ाम नहीं दे पाया। कोई घर जा रहा था तो कोई बारिश की वजह से कॉलेज आ नहीं पाया, तो मैं भी कुछ वैसा ही सीन हुआ। जितना समय जा रहा है वेदर उतना ही ख़तरनाक होते जा रहा है। और अभी मैं जाऊंगा गाइस थोड़ा सा डेविल को देखने कि काम कैसा चल रहा है, कितना दूर तक चल रहा है। बाप रे, स्वेटर नहीं लाना, स्वेटर लाना चाहिए था आज गाइस। रेनकोट तो लाना चाहिए ही था लेकिन अभी बस जल्दी से घर जाना है, गरम गरम वाई वाई खाना है बना के। तो यही पे है मेरा बाइक, ये रहा। जेडू हमारा बाइक टका दूर दूर राय कभी नहीं दे पार्बो দুই দিন চালায় আছে কুড়ি একুশ। শুনো না দাদা, 23 তারিখের আগে নেবো, 23 তারিখ বসন্ত উৎসব আছে তো, 23 তারিখের আগে বা 23 তারিখের দিন আজকে না দাদা বললো না দুদিন চালাবে, দাদাই চালাক দুদিন, 23 তারিখে আমি নিয়ে যাবো তাহলে। ঠিক আছে চলো। তো গাইস আপ লোগোনে তো শুনি লিয়া क्या बातचीत हुआ। बाइक अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट, लेकिन अभी टेस्ट करना बाकी है, ठीक है ना। तो मैंने भैया को बोला कि भैया आप ही टेस्ट करो और आप ही रिज़ल्ट बताना, और टेस्ट होने के बाद आप ही मुझे बोल देना कि रेडी है बाइक, क्योंकि मैं झोल झमेला करना नहीं चाहता। मेरा घर यहाँ से 18-20 किलोमीटर दूर है। ओ मज़ा आ रहा है भाई, नीचे आज शू का हालत ख़राब होने वाला है गाइस, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है। सिर्फ एक जैकेट होना चाहिए था। एनीवेज गाइस बहुत जल्द मैं एक राइडिंग जैकेट लेने वाला हूँ, ठंड बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है और मैंने स्लीप्स पूरा फुल कर दिया है, लेकिन इनसे कोई फ़ायदा हो तो नहीं रहा है, लेकिन चलेगा। अरे भाई मैंने मतलब करकती हुई ठंड में मैंने बाइक चलाया है, वो भी हाफ टी शर्ट पहन के, तो ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो गर्मी का मौसम आ भी चुका है, बाइक चलाने में कभी ना नहीं होता है मेरा गाइस। कैसा भी मौसम हो, कैसा भी सिचुएशन हो, बाइक चलाने में हमेशा इंटरेस्ट रहता है मेरा। ये जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं ना, इनके पीछे जाऊँगा तो और भी पानी का जो छींटा आएगा ना मेरे ऊपर, इससे बहुत हालत ख़राब हो जाता है। तो इन ट्रक्स के पीछे ना ही चलना अच्छा है, साइड से चले जाओ, ठीक है। वेदर बहुत ही खतरनाक होकर रखा है गाइस। दिल से शुक्रिया आप लोगों को जिन्होंने व्लॉग को यहाँ तक देखा है। एक आप ही लोग हो जिसके वजह से मैं इतना आगे तक बढ़ पाया हूँ, थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, एक दिन आपका भी दिन आएगा जब आपको और किसी का सपोर्ट चाहिए होगा। तो आप अगर मुझे सपोर्ट करोगे तो आपको भी कोई ना कोई ज़रूर से सपोर्ट करेगा। आप अगर अच्छे काम करोगे तो भगवान ज़रूर से आपको उस काम का अच्छा फल देगा। यार आज का व्लॉग शायद एंड करने का टाइम हो गया है, और ज़्यादा लंबा करके कोई फ़ायदा नहीं। तो ये लास्ट व्लॉग था, इसके बाद डायरेक्ट बसंत उत्सव एंड होली का व्लॉग जाने वाला है, बहुत ही तगड़ा तगड़ा। स्टे ट्यून्ड फॉर द व्लॉग, स्टे ट्यून्ड फॉर द चैनल, और टुडेज वीडियो इन हियर, आई होप यू एंजॉयड इट। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन यू नो व्हाट टू डू, इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल देन डू इट सून। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, पीस आउट।